रोने की नहीं है करा प्लीज। ब्रो से ना इज्जत बचा लेना, यूट्यूब पे 500,000 कमेंट का सीन है इस लड़की को बाय बाय कह करके, फिर सेकंड ब्लॉग इस लड़की को क्या मतलब, नाम नहीं है मेरा कोई। रो मत ब्रो से ना, तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट करेगी 500,000 कमेंट का, ठीक है ना। दिल है परेशान बाल बना दिया। फिलहाल मैं आप लोगों को सीन बता देता हूँ, हम लोग ना कल रात पूरी रात भर नहीं सोए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी ये सेकंड फ्लाइट मिस हो इकरा की वजह से। लास्ट वाली फ्लाइट भी आप लोगों को पता है इसी की वजह से छोड़ी है, और ये वाली फ्लाइट तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, बिकॉज प्रणव भैया और भव्या हरिद्वार पहुंच गए एंड हर्ष नहीं आ रहा, बिकॉज हर्ष के ना दादाजी की तबीयत खराब है गाइज। एंड चेक दिस आउट गाइज, हमारा नाश्ता आ चुका एकदम सुबह सुबह, आखिरी नाश्ता गाइज। इसके बाद किसके बाल बनाओगी? किसी के बनाने की जरूरत नहीं है, तुम किसी के बनाने की जरूरत नहीं है, किसी के भी। कब चले जाएंगे ना, तुम कब जा रही हो बहन? ये और शांजा भी चली जाएंगे 25 तारीख को, फिर तुम अकेली रहोगी? आज हमेशा अकेली रह जाती हूँ, मेरे साथ जिंदगी ऐसी चलती है। क्या ये है, क्या सुबह सुबह क्या इमोशनल डायलॉग मार रही हो? सब छोड़ के चले जाते हैं, मैं क्या करूँगा, कोई नहीं आऊंगा मैं। फटाफट वो उसका पासपोर्ट बना लो। किसका? इंडिया का। बहुत सारे लोग ने लास्ट लॉग में कमेंट करे थे वेटिंग फॉर इकरा टू कम टू इंडिया एंड कांट वेट टू सी देम टुगेदर अगेन। कब मिल रहे हैं वापस? जब आप आएंगे तभी। अब तो गाइस 1-2 साल बाद ही मिलेंगे कम से कम। मुक्का मारूंगी चीट के। जल्दी मिलेंगे गाइस, बिकॉज़ आप लोगों को पता है लैम्बोर्गिनी की डिलीवरी लेनी अभी ना, तो फिर उस वजह से। और अगर मेरे को कुछ टेक्स्ट मैसेज करने होंगे ना, तो फिर टॉक टू माय मैनेजर ना। कौन मैनेजर है बताना जरा? हर्ष से बात कर लेना। फिलहाल गाइज आज सच्ची में जाने का दिल मतलब तो नहीं कर रहा है, मुझसे बात नहीं करो। अरे मेरा टॉक टू मैनेजर मेरा डायलॉग है यार। एंड यार सच्ची बता रहा हूँ, मेरा तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। एक और वाली फ्लाइट भी कैंसिल करा दे, खुश कितनी हो रही है। पुराना भैया और घर से निकल चुके हैं, भैया मत बोला आज सोते कल जाएंगे, कसम से। सोने का नहीं बोल रही मैं, तो सोने का कभी कल भी नहीं बोल रही। कसम से गाइस, कल हम लोग बोल रहे थे सोएंगे, कहाँ सोए, 6 बजे हम लोग सोए, फिर 12 बजे उठे रात को, फिर सृष्टि का बर्थडे बनाया वो भी चली गई थी, और अभी नाश्ता कर रहे हैं। फिलहाल टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 8 बजने का रहे, तो बस जल्दी जल्दी रेडी होते गाइस, नाश्ता करते हैं और मिलते फिर आपसे। मेरा खाना नहीं खाना, मैं खाऊंगी। मेरा खाना नहीं खाना, अच्छा खा लो, ये लो। जंगल से भाग के आई हुई, उसके बाल चेक करो, जंगल से भाग के आई गई। फिर पराठा क्यों बढ़ भाई? थैंक यू सो मच चली थे, सुबह सुबह नाश्ता बनाने के लिए। शांजा हम तो सोए भी नहीं, मैंने कुछ वो कर दी थी, गलती कर दी थी कि मुझे मक्खन नहीं दिया, तो यहाँ से खाओ, डब्बा भराओ, ला दो। गाइस पाव भैया हो चुके एकदम फुल पावर रेडी जाने के लिए, कपड़े कुपड़े सब निकाल दिए हम लोगों ने, शूज शूज भी पहन लिए, हैंड बैग भी दोनों तैयार हो चुके गाइस। फिलहाल इकरा बुला रही है करीम, एंड करीम इज द सर्विसेज फॉर द कैब्स दैट यू गेट हियर, सो बस बुलाते हैं गाइस और चलते हैं। ये तीनों जा रहे हैं मेरे को छोड़ने के लिए, ये भी और ये भी। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से, एंड आज यार मैं इतनी सुबह सुबह उठ रहा हूँ क्या, पूरी रात ही नहीं सोया हूँ, बट यार बहुत बुरा सा लग रहा है यहाँ से जाते हुए। ये हमारा नया फ्लैट है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो गाइस, लोकेशन यहाँ से तो रिवील नहीं होगी ना, नीचे जाकर के बताएंगे इकरा कौन से फ्लैट में रहती है, फिर आप यहाँ पर आकर रोज घंटी मारना। ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप लोगों को पता है कि बाबू भैया के पास गाड़ियों की कितनी बड़ी कलेक्शन है, हम लोगों ने फिलहाल ही में जीटी ली थी गाइस, और अब कुछ टाइम हमारी लैम्बोर्गिनी आने वाली है, एंड इनका मेंटेनेंस कॉस्ट आपको पता है कितना मुश्किल होता है, जो कि मैं केवल यूट्यूब से ही नहीं कर रहा हूँ गाइस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जहां पर मैं अपना ओपिनियन दे करके बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ। द प्लेटफॉर्म नेम इज प्रोवो गाइस। प्रोवो ना इंडिया का फर्स्ट ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जहां पर आप केवल हाँ या ना में ना आंसर करके आप लाखों हजारों रुपए कमा सकते हो गाइस। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, लास्ट टाइम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज जब चल रही थी ना, तो सवाल ये था कि क्या भारत बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जीत पाएगा, एंड मैं 100% श्योर था गाइस, तो मैंने ना यस सेलेक्ट किया था गाइस, एंड मैंने 20,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगाया था, एंड इंडिया ने सीरीज जीत भी गई थी गाइस, एंड मुझे ना 80,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था यार। नॉट ओनली दिस गाइस, प्रोवो में ना बहुत सारी कैटेगरीज है, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिप्टो, एंटरटेनमेंट एंड इवन वेदर तक है, एंड आपको पता है गाइस मेरे को गाड़ियों के अलावा क्रिकेट खुद कितना पसंद है। तो सवाल ये गाइस कि क्या इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला
लेकिन T20 मैच जीतेगी या नहीं। तो मैं ना यार यस पे सेलेक्ट करता हूँ गाइस, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ। तो मैंने ना नीचे दिए गए क्वांटिटी स्लाइडर से अपना इन्वेस्टमेंट और क्वांटिटी बढ़ाकर ओपिनियन सबमिट कर दिया। एंड अगर गाइस मेरा ओपिनियन सही हुआ ना गाइस, तो मैं जीतूंगा रियल कैश। एंड ये जितना भी पैसा मैं जीता हुआ ना गाइस, ये आराम से मेरे गूगल पे पेटीएम कार्ड किसी भी तरह से इजिली विड्रॉ कर सकता हूँ यार। तो देरी किस बात की गाइस, फटाफट डिस्क्रिप्शन में चल जाना, मैंने प्रोवो का डाउनलोड लिंक दे रखा होगा, जाओ जाकर साइन अप करो गाइस। एंड अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करोगे तो आपको 25 रुपीज का वेलकम बोनस भी मिलेगा। एंड आपको पता है गाइस, करोड़ों लोगों ने ना ऑलरेडी प्रोबो पे बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया है, तो फिर आप किस चीज का वेट कर रहे हो? डाउनलोड प्रोबो नाउ, साइन अप गाइस और मस्त मस्त प्रॉफिट कमाओ। तो यार ये ब्लॉग तो खत्म हो गया, लेकिन आप अपना ओपिनियन ना इधर उधर मत दो, जाओ जाकर के प्रोबो डाउनलोड करो गाइस एंड प्रोबो पे जाकर के अपना ओपिनियन दो और मस्त प्रॉफिट और पैसा कमाओ यार। और भाई क्या हो गया? कुछ नहीं, इतना सैड सैड सा क्यों हो? दोबारा भी तो मिलेंगे, ये तो लाइफ का प्रोसेस है, आना जाना। मैंने कहा जिंदगी उनसे क्यों मिलवाती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। ये बहुत डीप डायलॉग था। फिलहाल हमारी करीम आ चुकी है एंड ये रही हमारी गाड़ी जिस पे हम लोग बैठ करके एयरपोर्ट जाने वाले हैं। और मोमी है आपका नाम? मुझे तो इकरा ही पता था, और भी कोई नाम है क्या? मोमिया ही है। जाओ तुम आगे बैठो, अली के साथ भी तो तुम आगे बैठती थी ना। अली के साथ भी तो आगे बैठती थी। वो अली है ना, ये अली थोड़ी। गाइस कैब में बैठ चुके हैं हम लोग, यहाँ से एयरपोर्ट इज गोना बी हाउ मच टाइम, 15 मिनट दिखा रहे हैं, सो मैक्सिमम लाइक पहुँच जाएंगे सुबह, हम लोगों को ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, सो दैट इज गोना बी द बेस्ट थिंग। क्या हो गया? नानू मत किया करो मुझे ऐसे। जैसे क्या कर रहा हूँ मैं? ऐसे मत करो। कुछ करा मैंने? कुछ करा भी नहीं मैंने अभी तक। तो क्या करना है? फ्लाइट छोड़ दे वाली। अब कितनी खुश हो रही है ना गाइस, अब देखो कितनी खुश हो रही है। वैसे इसका मुंह चढ़ रखा है, बोलना चाहोगे आखिरी बारी व्लॉग में, आखिरी दिन? हाँ। क्या हमारी ब्रोसीना हारेगी? क्या हारेगी? 5 लाख कमेंट। ब्रो से ना इज्जत बचा लेना, यूट्यूब पे 5 लाख कमेंट का सीन है। सुबह सुबह उठ के बोल रही है, देख लो मुझे तो ये टॉपिक याद भी नहीं था, बोल रही है आपकी ब्रो से ना हारेगी। मैंने कहा मेरी ब्रो से ना हार ही नहीं सकती, 5 लाख कमेंट 2 दिन में बोला है। तो जीतेगी तो आपने बोला था ना मेरी आईडी दोगे अपने ब्रो सीना को। डन डन, वो मुझे मैसेजेस करेंगे, फिर मैं उनसे बातें करूंगी, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। लौंडो से बात करनी है तुम्हें? लौंडिया भी तो हो सकती है भाई, लड़कियां मेरे को डीएम नहीं करती, तुम्हें क्या करेंगी? क्यों नहीं करती? करती है, ऐसी मोबाइल छुपाते रहते हो ना पूरा दिन। फिलहाल गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, चेक दिस आउट, बहुत सारे सिग्नल्स मिले हम लोगों को, ये हमारा दूसरा रेड सिग्नल है। हमारी जो फ्लाइट है गाइस वो ना 11:15 की है, सो प्रोबेबली 9 बजे तक भी पहुंचेंगे तो भी चेक इन हो जाएगा। अभी ना चेक इन नहीं हुआ बिकॉज कल की जो फ्लाइट थी उसका ऑलरेडी चेक इन। इंडिया को नहीं, इंडिगो। इंडिया को नाम लो, बोले इंडिया को। इंडिगो बोलो, इंडिया को। इंडिया को सेंस ऑफ ह्यूमर खराब हो चुका है, इकरा का बहुत ज्यादा जाते थे, पगला गई गाइस। तो मैं आपको बता रहा था कि कल वाली फ्लाइट का ना ऑलरेडी चेक इन हो रखा था, बट आज स्पाइस जेट की फ्लाइट भी ले गई जल्दीबाजी में। एमिरेट्स की फ्लाइट 1 लाख रुपए की हो रखी थी, उतने पैसे है नहीं, मेरा डेंटल का बिजनेस नहीं है ना गाइस पाकिस्तान में, फिर हम लोगों ने सस्ती से फ्लाइट किया। आज पता क्या होगा, आज जैसे ही जाओगे ना चेक इन कराने के, बोलेंगे ये फ्लाइट तो कैंसिल हो गई है, आसमान में बम फट गया। आसमान में बम फटेगा तो मेरे, अरे पहले से फट रखा है, आसमान में बम कैसे फट सकता है? आसमान का रास्ता बंद नहीं, गाइस आसमान में रास्ता तो होता ही नहीं है, बर्फ पड़ गई है, आसमान में बर्फ पड़ गई। इंडिया के करीब करीब बर्फ पड़ी, इसलिए वापस चले जाओ। बर्फ पड़ती है पहाड़ों पे, समझ रही हो? बर्फ तो नीचे पड़ते ही पड़ती है ना, उतनी ऊपर तो थोड़ी ना पड़ती है। अच्छा कोई चीज भाई, लेकिन सच्ची में गाइस दुबई में बारिश हो रही है आज, ये चेक करो गाइस, दुबई में सच्ची में बारिश हो रही है। नींद में क्या बोल रहे हम लोग, व्लॉग हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा? मैं बोल रहा हूँ बस यार बारिश के कारण फ्लाइट कैंसिल ना हो, नहीं तो फिर प्रणा भैया और भव्य दिल्ली पहुंच रहे ना गाइस, वो मेरी हड्डियां तोड़ देंगे, बिकॉज मैंने उन्हें कल से बोल रखा है, बिकॉज मैंने उन्हें कल से टाइमिंग दे रखी है, पहुंच जाएंगे गाइस। और गाइस ये मेरी छोटी सी बहन, तुम तो लास्ट टाइम तब उठी होगी ना इतनी जल्दी जब स्कूल जाने के लिए उठी होंगी। बुखार, इस बेचारी को बुखार है। इसके साथ क्या होता है, इसको जब अटेंशन चाहिए होती है मेरे से, बोलती भैया उठ के, भैया बुखार हो रहा है मुझे, फिर मैं इसके सर दबा देता हूँ हल्का हल्का सा, फिर ठीक हो जाती है। सच में बुखार है? कितना डिग्री? 512? 402? 402 तो कुत्तों को होता है। सच में? और गाइस देयर इज अलीजे, अलीजे ने शानसे क्या, माफी माफी, अब नाश्ता बना के दोगे अगली बार से? अरे शानसा मेरे को तुम्हें पता क्यों लगा मैंने तुम्हें अलीजे क्यों बोला? क्योंकि तुमने कपड़े ना अलीजे के पहने हुए। झूठ बोल रहे हो, अलीजे ने तो मैंने पहने हुए हैं। झूठ बोल रही है, ये करा के हैं, इकरा ने पहने हुए गाइस सृष्टि के कपड़े। अपने नहीं है, मेरे अपने हैं। देखो गाइस दुबई की बस कैसे होती है, देखो मैं दिन में यही सब आगानू भाई, पहली बार 7 बजे 8 बजे उठेंगे तो बसेस ही दिखेंगे स्कूल की। सोएगा? सोए नहीं हूँ, फ्लाइट में जाकर के सोऊंगा। अब ये वाला व्लॉग ना अभी एडिट करके डालना है, जो आप अभी देखोगे, तो आज दूसरा व्लॉग भी शुरू होगा गाइस, बस इस लड़की को बाय बाय कह करके फिर सेकंड व्लॉग शुरू। इस लड़की को क्या मतलब, नाम नहीं है मेरा कोई? अरे मतलब इस लड़की को टाइटल नहीं बता रहा व्लॉग का, बोल रहा टाइटल नहीं बताओ, इकरा को बाय करके, इकरा को बाय कर, मोहिमिया मुगल, मोहिमिया मुगल, मोहिमिया कौन है क्यों बताओ?
कैसे सारी बातें बता दूंगा क्या सूर्य वंशम वाली खीर ला के खिला दो इनकी इतने गंदे गंदे जोक्स। और एक चीज मैंने सीखा गाइस, पाकिस्तानियों से आप एक चीज सीख सकते हैं कि अगर आपकी लड़ाई हो जाए ना तो ये मत बोलना लड़ाई हो गई, ये बोलना फड्डा हो गया बहुत बड़ा। जहाँ डे वन से मैं इनसे ये सुन रहा हूँ, मैंने कहा फड्डा हो गया फड्डा हो गया फड्डा हो गया, अब तो मेरे दिमाग में ये गाइस फड्डा हो गया। तो अभी आपकी कभी लड़ाई हो तो फड्डा करना गाइस। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर, और खुशकिस्मती से आज एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं हो रही है, बट बारिश हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन। मैं बोल रहा हूँ रोमांटिक सीन हो रहा है, एक म्यूजिक वीडियो शूट कर ले वापस। वो परदेसी परदेसी नहीं जाना नहीं परदेसी परदेसी खाली होके चलेंगे क्या दिक्कत है परदेसी मेरे यारा तो यार एयरपोर्ट पहुंच चुके हम लोग और एयरपोर्ट पे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं हो रही है, देखते हैं गाइस चेक इन करके अंदर क्या सीन है। सो गाइस हम लोग ना चेक इन करा के आ चुके हैं और ये इकरा ना मेरे को 2 घंटे पहले लेके आया एयरपोर्ट, बोली फ्लाइट छूट रही है फ्लाइट छूट रही, बोर्डिंग बोर्डिंग 10 बजे शुरू होती है इकरा। अनु मैं ही तुम लोगों को बोल रही थी कि 1 घंटा पहले जाते हैं कुछ भी नहीं होता, नहीं 6 घंटे पहले भी बस फ्लाइट ही तो छूट रही है। हम लोग ना कल की फ्लाइट में भी जा सकते हैं, मेरे पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरलाइन कौन सा पाकिस्तान इंटरनेट, कितने रुपए की फ्लाइट होती है 2000 रुपए की। जोक करते हैं तुम, इतना सीरियसली क्यों ले रही हो, आ जाओ कॉफी पीने, और कुछ ऑप्शन है भी नहीं हम पे अब 2 घंटे एयरपोर्ट पे वेट करने के अलावा। जिस छोर पे था छोटा मेरा हाथों से तेरे हाथ जिसने आसाया। तो गाइस अभी हम लोग आए अंदर एक जगह कॉफी पीने के लिए और इकरा का एक सपना पूरा कर रहा हूँ। क्या छोड़ना है बैगेज ड्रॉप कहाँ पर है कहीं भी छोड़ दो तो गाइज मैंने तो पहले कहा था फ्लाइट जब भी हो ना केवल 1-1.5 घंटे पहले आना, उससे पहले मत आना, बट इन लोगों ने कहा मेरे को सुबह फ्लाइट छूट रही है फ्लाइट छूट रही है माफी। और मैं आपको ना सबसे महंगा नींबू पानी दिखाता हूँ, इंडिया में आपने कितने रुपए का नींबू पानी पिया होगा, 10 रुपए 20 रुपए 50 100 रुपए का नहीं आ रहा, इतने अमीर भी नहीं हम लोग, 50 रुपए का मैक्सिमम राइट। ये वाला लिया मैंने, ये 500 रुपए का नींबू पानी है और इसका टेस्ट इतना गंदा हो रहा है ना गाइज, 500 रुपए का पीना तो पड़ेगा ही। अभी कुछ 400-500 रुपए की कॉफ़ी फेंक के आए हम लोग क्योंकि वो भी ख़राब हो रही थी, अमीर लोगों के साथ ऐसे ही होता है गाइस। फिलहाल अभी हम लोग कॉफ़ी पी रहे गाइस और अभी वेट कर रहे हैं, टाइम अभी ऑलमोस्ट हो रहा है लाइक 9:15, बोर्डिंग विल स्टार्ट एट 10:15, सो मैं 9:45 पे अंदर जाऊँगा, तो अभी भी हमारे पास आधा एक घंटा है, आखिरी आधा एक घंटा गाइस, उसके बाद हम लोग चलो चले मितवा इन ऊँची नीची राहों में। जब मैं जा रहा हूँ ना वाला गाना आना, जाने नहीं सुने वाला गाना सुने, चाहे तुझको रब बुला ले हम ना रब से डरने वाले, आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हारे आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। लोग डर रहे हैं क्या? तो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं सिक्योरिटी चेक के लिए, एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दुबई एयरपोर्ट इज कि यू नो आप एयरपोर्ट के अंदर उन लोगों को भी लेके जा सकते हो जिन लोगों की फ्लाइट नहीं है। द होल गैंग इज वॉकिंग बिहाइंड मी एंड अभी हम लोग जा रहे हैं लास्ट सिक्योरिटी चेक पे जहाँ पर डिपार्चर है, चेक दिस आउट, वहाँ से आप डिपार्चर वाले गेट पे चले जाते हो। मेरी जो फ्लाइट थी वो T1 से थी एंड नॉर्मली अगर आपकी फ्लाइट T1 से होगी ना तो इतना ज़्यादा रश नहीं मिलेगा, बट फिर भी गाइज 2 घंटे पहले आ जाना ताकि गाइज रश ना हो और सिक्योरिटी चेक पे भी इतना कलेश ना हो आपका। इसकी शक्ल देखो गाइज, इतनी बुरी शक्ल बना के कौन घूम रहा होता है ये बताओ, शक्ल ही ऐसी है, अभी तो बंदा नहीं बैठ रहा कोई, बताने की जरूरत क्या है, बंदा दोस्त काफी है जिंदगी वही गाइस, दोस्तों के साथ जैसे जिंदगी बीतती है ना। सो गाइस फाइनली वी आर रेडी टू गो, मैं कर रहा हूँ अंदर चेक इन और बाय बाय करा, मिलेंगे बाय सी या बाय करा गाइस, बाय बाय सी या, मिलते हैं, अच्छा लगा बहुत, आई एम गोना मिस यू। इसने मेरे को बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाया गाइस, बाय बाय, और इसने मेरे को परांठे बना के खिलाए, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी इसने करा है मेरे को चूटियाँ मार मार करके तुम्हें बचाया मैंने, समझ रही हो, नहीं बचाया मार रहे ओके बाय बाय करा, टेक केयर, इसने तो जितना ध्यान रखा उतना कम ही कम है, बट क्या ही कर सकते, बाय बाय करा, रोने की नहीं है करा प्लीज़ भूल जाए
ओके गाइस बोली थी ना नी रहूंगी नी रहूंगी नी रहूंगी एक जब ले जाऊंगी तब इसको मैं नहीं लाऊंगी एयरपोर्ट से मेकअप उतर जाएगा बाय बाय आई लव यू ध्यान रखना अपना और फिर से जल्दी मिलेंगे ठीक है इंशाल्लाह ओम बुरबुआसो गा दो लास्ट टाइम ओम बुरबुआसो बोल रही वीडियो कॉल पे सुनाऊंगी गाइस बाद में चलो बाय बाय करा आई लव यू बाय बाय आई लव यू बाय बाय तुम भी रो रही हो गाइस ये ना एक परिवार बन गए थे मेरा बट जल्दी मिलेंगे ठीक ओके बाय 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 गाइस चाहते हुए इतना ऑफ लग रहा है ना मेरे को रो मत ब्रो से ना तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट करेगी 5 लाख कमेंट का ठीक है ना क्या बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम नहीं नहीं खुदा हाफिज अल्लाह हाफिज बाय बाय जय श्री राम गाइस वी आर जस्ट लीविंग फ्रॉम हियर एंड सबको बाय बाय कह दिया मैं जितना ज़्यादा यहाँ पर रुकूंगा ना फिर सब लोग और ज़्यादा रहेंगे बट वो मेरी फैमिली है गाइस पाकिस्तान वाली निकल गए गाइस वो देख रहा हूँ मेरी गैंग से पुई कर रही है तो गाइस वी आर डन विद द सिक्योरिटी चेक एंड मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट लगते हैं दुबई के सिक्योरिटी चेक में एंड यहाँ पर आपको पता है बेस्ट थिंग इज क्या है कि आपको ना बैग बैग नहीं खोलना पड़ता है लैपटॉप लैपटॉप बाहर रखना नहीं पड़ता है एवरीथिंग गेट्स थ्रू द स्कैनर डेली एयरपोर्ट पे थोड़ा सा सीन है कि यू नो आपको अपने चार्जर चूर्जर लैपटॉप लैपटॉप सब बाहर निकाल के रखना पड़ता है सो यहाँ पर ये सीन कूल है गाइस फिलहाल ये वाला व्लॉग यहीं पर खत्म कर रहा हूँ बिकॉज गाइस अभी थोड़ा मूड ऑफ है एंड बहुत बुरा सा लग रहा था उन सब लोगों को बाय कहते हुए बिकॉज परिवार बन गए थे हम लोग इन 10 दिनों में आई विश आप लोगों को साथ देखने के लिए हम लोग जल्दी मिले फ्यूचर में तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा दिस इज़ यू की तरह साइनिंग ऑफ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बी सेफ एंड नाइट सेफ गाइस किसने